बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सॉरी, वीडियो कब बंद हो गई? पार्ट वन की पता ही नहीं चला, वरना इसके पार्ट होते ही नहीं। चलें इसको पार्ट टू कर लेते हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। क्वेश्चन नंबर 5 ही कर रहे थे, दोबारा कर लेते हैं थोड़ा सा। कहाँ थे ये? √14 मल्टीप्लाई बाय √21। पावर लगाइए, 14 1/2 मल्टीप्लाई बाय 21 1/2। एलसीएम लेते हैं दोनों का। 14 2 7 14, 7 1 7, 21 3 से जा रहा है, 3 7 21, 7 1 7 क्या हो गया यहाँ पर? 2 7 3 7। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 1/2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 1/2 की पावर। ठीक हो गया भाई, पावर लगा देते हैं। 1/2 की पावर इस पे, 1/2 की पावर इस पे, मल्टीप्लाई बाय इस पे भी और इस पे भी। रीअरेंज कर लीजिए, 7 और 7 कॉमन आ जाएगा। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2, 7 1/2 और 7 1/2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल पावर्स ऐड हो जाएंगी और यहाँ पर 2 को भी रिवर्स मार के √2 कर देते हैं इसके, क्योंकि इसका कोई हल ही नहीं है आपके पास, इसकी पेयरिंग तो भरी नहीं रही। और इसको भी रिवर्स मार के आप ये कर दीजिए, ठीक है। और ये दोनों अलग अलग नज़र आ रहे हैं आपको, तो आप इनको एक में भी कर सकते हैं और इस तरह से 2 3 6 हो जाएगा ये। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं क्या हो रहा है। 7 के ऊपर एलसीएम लिया जा रहा है, थोड़ा जूम करके देखने। 1/2 + 1/2 क्या करेंगे? 2 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या हो जाएगा? 2/2 और ये 7 2 2 2 2 और आपका जवाब आ गया ये √6 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसको यहाँ कर दें आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका आंसर आ गया। इससे आगे और क्या लेके जाएंगे? मेरे ख्याल में यही आंसर है, चेक कर लेते हैं। एग्जैक्टली यही आपका आंसर है, ठीक है भाई। ये साइड में हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, मिटा दो। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 15 √5 √। वैसे टू द पॉइंट स्कूल में भी ये बताते होंगे, 5 1 5 कर दो, 5 3 15 कर दो। ये ले, टू द पॉइंट 3 जवाब आ गया इसका, ठीक है। नहीं भाई ऐसे मत कहिएगा, ज़रा सीखें। √15 √5, इसका तो एलसीएम लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो यही रहेगा। 15 का एलसीएम क्या आएगा? 3 5 15, 5 1 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके ऊपर 1/2 की पावर और इसके ऊपर भी 1/2 की पावर। कॉमन लेने का चक्कर बन रहा है, पहले ही देख लें, एक्टिव हो जाया करें फ्रैक्शन में जब एक जैसे नज़र आ रहे हो। 5 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 1/2 की पावर और इसके ऊपर भी 1/2 की पावर। इसको ऊपर ले जाते हैं नीचे वाले 5 को, √5 -1/2, ठीक हो गया भाई। अब जल्दबाजी में इसको ऐसे काट मत दीजिए, पावर माइनस में ये प्लस में है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये पावर प्लस माइनस में है, बेस नहीं है। इसका एलसीएम लेना है, कॉमन ले ले पहले इसको। 3 के ऊपर 1/2 की पावर, इसको रिवर्स करते हैं, दोबारा से इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर 1/2 -1/2, हाँ ये करने के बाद 5 के ऊपर 1/2 -1/2 आ गया। अब काट दें ये माइनस का 1/2, ये प्लस का 1/2। कितनी पावर आ गई? 0 की पावर आ गई। और याद है ना मैंने क्या सिखाया था, 0 की पावर जिसके ऊपर भी आ जाए, आपके ऊपर भी 0 की पावर आ जाए, आप 1 हो जाएंगे। इसलिए ये हुआ √3 × 1, 1 से मल्टीप्लाई हो जाए कुछ भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका जवाब ये रहा और यही हमने यहाँ निकाला था, 5 1 5, 5 3 15, जो कि एकेडमी सेंटर में बताया जाता है, आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। आगे चलते हैं, और क्या है इसके अंदर भाई?
क्वेश्चन नंबर सेवन हटा दूं। क्वेश्चन नंबर सेवन, इसका भी अगर डायरेक्ट जवाब निकालना है तो 1-1 हो जाएगा, लेकिन क्या नहीं भाई, डायरेक्ट नहीं रूट निकल, इसका एलसीएम लीजिए 76 का, 2-3 6, 1 इसके साथ आया, 2-8 16, 2-1 2, 2-9 18, 19-1 19, ये आ गया 2 के ऊपर स्क्वायर और 19, एग्जैक्टली नीचे भी यही होगा 2 के ऊपर स्क्वायर और 19 होल 1/2, और इसके ऊपर भी 2 के ऊपर स्क्वायर 19 होल 1/2, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 × 1/2 × 19 × 1/2, और आगे लेके चलिए 2 × 1/2 × 19 × 2, ये कट गया पावर, ये भी कट गई पावर, ये भी कट गई, क्या बच गया, ये हो गया 2 × 19 / 2 × 19, इसके ऊपर भी 1/2 की पावर, इसके ऊपर भी 1/2 की पावर, कॉमन लिया जा सकता है। अच्छा यहाँ से ये 2 से 2 तो कट गया, इसकी कहानी ख़त्म, नंबर है ना भैया, तो इसमें कोई पावर ओवर का चक्कर नहीं है, तो 2 से 2 कट गया, इसको ऊपर ले जाइए 19 × 1/2 × 19 −1/2 कॉमन ले लीजिए, 19 × 1/2 − 1/2 कट गया, क्या 19 के ऊपर आ गई 0 की पावर, 0 की पावर जिसके ऊपर आ जाए वो क्या हो गया 1, ये आ गया आपका जवाब 1, चेक कर लें यही तो नहीं है, हाँ बिल्कुल भाई यही है, मिटा दूँ इसको, ये साइड में हो गया, मैं स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। न्यू मार्कर्स हैं इसलिए बोर्ड थोड़ा सा ख़राब कर रहे हैं। पार्ट टू लिख दूं, पार्ट टू, अच्छा 7 भी हो गया, 8, ये 8 ज़रा क्वेश्चन है आपको थोड़ा सा घुमाएगा, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, थोड़ा सा आपको घुमाएगा, ये कई तरीक़ों से हो सकता है इसका जवाब। अच्छा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इसका जवाब जो है वो √18 है, √18 है, आपको मेरा तरीका पता है, मैं डायरेक्ट का तो कायल नहीं हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, इसलिए एक चीज़ आपको एडिशनल बता दूँ, एक तो ये तरीका है, इसको 18 और 18 के ऊपर पावर लगा दें 1/2, ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा 18 × 18 − 1/2, हर नंबर के ऊपर पावर होती है तो इसके ऊपर भी पावर है, कॉमन लेंगे 18 और 18 का, ये क्या हो जाएगा 1 − 1/2, इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ लिख देता हूँ 1 − 1/2 पावर का। अब ये याद रहे कि हम कहते हैं कि फ्रैक्शन में जब होता है तो एलसीएम लिया जाता है और बीच में प्लस या माइनस होता है, आपको लग रहा होगा कि शायद ये फ्रैक्शन में नहीं है बल्कि एक ही फ्रैक्शन में है ये वाला, और ये तो है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, हर नंबर के नीचे 1 भी होता है, बेसिक्स की वीडियो देखें इसीलिए कह रहा हूँ, मैथमेटिक्स बेसिक्स की, इसके नीचे भी 1 है भाई। अब क्या होगा, एलसीएम लिया जाएगा तो 2 आएगा, 2 1 पे डिवाइड होगा, 2 बचेगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 आ जाएगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको ये समझने के लिए, साइन एज इट इज़ आ जाता है, 2 2 पे डिवाइड होकर 1 जवाब आएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1, क्या जवाब आ गया यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर 18 के ऊपर पावर क्या आ गई 1/2, और 1/2 की पावर जिसके ऊपर आ जाती है उसी को हम इस तरह से लिखते हैं, ये लें आपका आंसर आ गया, टू द पॉइंट, शायद एकेडमीज में सेंटर्स में स्कूल्स में ऐसे ही करवा दिया गया हो, या और भी बहुत सारे शॉर्टकट तरीके, हम थोड़ा सा लॉन्ग जाएंगे ताकि आप लोग सीखें, ये मिटाऊँ इसको, ये जो 18 है ऊपर इसका भी एलसीएम लिया जाएगा क्योंकि ऊपर 18 है नीचे 18 है, एलसीएम तो सेम ही होगा इनका, तो ये 18 और इसके ऊपर पहले पावर लगाएं 1/2 की पावर
टू नाइन ज़ा एटीन, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री वन ज़ा थ्री। ध्यान लगाइएगा, थोड़ा मुश्किल होगा ये आपके लिए। अच्छा, और क्या है अब? तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, टू मल्टीप्लाई बाय थ्री स्क्वायर होल वन अपॉन टू की पावर। ठीक हो गया भाई। फिर 18 टू के ऊपर भी 1/2 की पावर मल्टीप्लाई बाय 3 के ऊपर, ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, 18 और 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, 1/2 की पावर। इसको हम रिवर्स गियर मार के ये कर सकते हैं, ठीक है, या चलने दें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी बल्कि 2 के ऊपर 1/2 की पावर रहने दें। 3 को इसी तरह रखें। अब याद रहे कि जवाब आपका ये है बुक के मुताबिक, मैं मैनुअल कर रहा हूँ, ध्यान लगाइएगा, वही लेके आएंगे। अब यहाँ पर ये जो 18 है इसका भी आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम भी यही आएगा, यही आएगा ना, क्योंकि नीचे भी 18 ऊपर भी 18 ये ले चुके हैं हम। ठीक हो गया भाई। अच्छा, अब ये ऊपर जाएगा, ये क्या होगा, ये ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 के ऊपर पावर, ये 2 नीचे से ऊपर आया तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 भी ऊपर गया तो इसके ऊपर 1 की पावर है, मत भूलिएगा, ये -1 हो जाएगी। रीअरेंज कीजिए, 2 को 2 के साथ रखिए ताकि सहूलत हो जाए एलसीएम लेने में। ये टू इस टू के ऊपर भी 1 की पावर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -1 है, ये 2 है। यहाँ कॉमन लेते हैं पहले, ये क्या बनेगा, 2 -1, यहाँ क्या एलसीएम की शक्ल बन जाएगी, 2 के ऊपर 1 -1/2, 1 -1/2 का एलसीएम मैंने अभी आपको लेके दिखाया था, ठीक है, क्या बना था, ये एलसीएम बना था। और इसका क्या बनेगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। इसको रिवर्स गियर मारता हूँ तो मैं ये बन जाएगा और ये 3, और 3 को मैं इसके साथ लगाता हूँ तो ये आ जाएगा, आंसर है √18। मेरा क्या जवाब आया है, 3√2। गलत आ गया क्या, नहीं आया भाई, गलत नहीं आया। आपके जिस तरह भी आपको सॉल्व करवाया गया है वो ओके फाइन, लेकिन अगर आप सीखें तो सही, मैनुअल करके इन डेप्थ जाके कि हो क्या रहा है, शॉर्टकट्स नहीं। अब आप बोलेंगे सर यहाँ तो √18 है, यहाँ 3√2 है, अब क्या होगा, तो भाई इसको आप सॉल्व कर लें ज़रा, इसको थोड़ा और आगे लेके चले जाएँ ना, बुक में यही आंसर है ना, इसको और आगे लेके चले जाएँ। 18 का भी क्या हमने निकाला एलसीएम, 2 स्क्वायर और 3, नहीं 2 के ऊपर नहीं, 3 के ऊपर स्क्वायर होल स्क्वायर क्या बनेगा इसके ऊपर, 1/2 होल 1/2, फिर 2 के ऊपर 1/2 की पावर, 3 के ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये कैंसिल हो गया, 1/2 बच गया। इसको रिवर्स गियर मारें, ये बन गया मल्टीप्लाई बाय 3, और आगे लेके चलें तो 3√2 लें। ये जो आपका आंसर बुक में दिया हुआ था उसको भी मैंने सॉल्व करके यही बना दिया जो ये निकला है, तो बात तो एक ही है, लेकिन आप इन डेप्थ थोड़ा सा सीखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स आपको एक हद तक हेल्प कर सकते हैं, समझ आ गई बात, हर जगह पे आपको हेल्प नहीं करेंगे, और अभी आपको शॉर्टकट्स में आंसर निकालने भी नहीं चाहिए, तसल्ली से ज़रा थोड़ी मेहनत करें, ज़रूरत है अभी आपको। 9 की तरफ चलते हैं, 9 क्या है, 228 और √7, इसको भी शॉर्टकट तरीके से करवाया गया होगा, लॉन्ग कट तरीके से कर लीजिए, 7 के ऊपर 1/2 की पावर लगा देते हैं और यहाँ पर 28 के ऊपर 1/2 की पावर लगा देते हैं, 28 का एलसीएम लेते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, 2 मल्टीप्लाई 7, 2 के ऊपर स्क्वायर और 7, ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर क्या आएगा, 2 के ऊपर स्क्वायर 7 होल 1/2 और यहाँ 7 1/2,
पावर लगी हुई है लगा दीजिए, कितनी है 2 के ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7 पे भी 1/2, नीचे क्या है 7 1/2 फाइन। आगे चलते हैं, ये कैंसिल, फिर ये हो गया 2, फिर ये 2 और उसके बाद अंदर क्या है 7, ये हटा देते हैं ब्रैकेट, मल्टीप्लाई का साइन लगाएं ब्रैकेट की जगह पर और 7 1/2, नीचे वाला 1/2 ऊपर ले आइए भाई, 7 वाला ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2 कट गया, माइनस 1/2 प्लस 1/2, ये हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 7 के ऊपर 0 की पावर, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब 4, यही आंसर है आपका बुक में भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साइड में हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें, 10 की तरफ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी बुक का क्या कह रहा है, हाँ अब जो जिनकी वेरिएबल्स पे ग्रिप है वो तो कर लेंगे, जिन्होंने एडिशन ऑफ वेरिएबल नहीं समझा, मैंने शुरू में बात समझाई थी इस रूट के क्वेश्चंस को वेरिएबल्स की तरह ट्रीट करें, एक्स वाई जेड इनकी तरह ट्रीट करें, आप लोग परेशान नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे देख के परेशान हो गए होंगे ये पता नहीं क्या, अगर मैं इसको यूँ कर दूँ 2x प्लस, अगर मैं इसको यूँ कर देता हूँ 3x प्लस 8y, अब आप बोलेंगे हाँ ये तो 3x प्लस 8y हो गया, भाई ये भी तो इसी तरह का है बस, लेकिन यहाँ पर अंदर क्या है 5, यहाँ पर क्या है 5, इसका मतलब यहाँ पे मैं x लगा सकता हूँ, अगर रूट में 5 यहाँ होता, यहाँ कोई और नंबर होता तो फिर मैं यहाँ कोई और वेरिएबल लगाता, समझिएगा ज़रा बात को, लेकिन आपको वेरिएबल्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है, थोड़ा सा इस पर मेहनत करें, थोड़ा सा गौर करें, समझ में आ जाएगा कि रूट असल में वेरिएबल की ही दूसरी शक्ल है जी, फ़र्क सिर्फ इतना है ये 1/2 की पावर वाले वेरिएबल हैं ये रूट, बस इसको मिटाता हूँ, इस पर चलते हैं, इस पर हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर 3 5 के ऊपर 1/2 प्लस 8 के ऊपर 5 1/2, ठीक है, ये और ये पावर सेम है तो ये क्या हो जाएगा 3 और 11, ये हो जाएगा 3 और 8 हो जाएगा 11 1/2, इसी को रिवर्स गियर करें तो ये हो जाएगा 11 रूट 5, क्या यही जवाब है हमारे पास 11 रूट 5, सर बिल्कुल यही है, लेकिन सर समझ में नहीं आया, सच्ची बात है, ये क्या किया है आपने, ये इसको देखा और इसको देखा, भाई आप एक चीज़ को यहाँ देख लें, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वेरिएबल्स को फॉर गॉड सेक वेरिएबल्स को पे मेहनत करें, ये वेरिएबल्स की ही दूसरी शक्ल है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ये देखें वेरिएबल्स वाला, ये 3x 1/2 प्लस 8x 1/2 वेरिएबल है, अब तो कोई टेंशन नहीं ना, कोई रूट वूट नहीं बनाओ, अब तो टेंशन छोड़ दें, अब तो आसान हो गया है ना, बल्कि इसको और आसान कर देता हूँ, चलें 1/2 डिस्टर्ब कर रहा है ना आपको, मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, 2 की पावर, और इसको आसान करते हैं 3x² प्लस 8x², अब तो ठीक है, अब मैं बोलता हूँ एक प्लस हो जाएंगे, आप बोलेंगे हाँ सर हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं, सेम वेरिएबल सेम पावर, बस अब एडिशन ऑफ वेरिएबल्स या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेरिएबल्स में दो शर्तें पूरी हो जाएं तो क्या करेंगे, कोफिशेंट्स प्लस कर देंगे, 3 और 8 कितने हो जाएंगे 11, बाकी और कोई काम नहीं है, कोई पावर्स प्लस नहीं होंगी, कोई पावर्स माइनस नहीं होंगी, नो, पावर्स प्लस माइनस होती हैं जब आप वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3x² को मल्टीप्लाई करेंगे 11x² से, हाँ अब गड़बड़ है, 3x² को 11x² से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33x2 प्लस 2, ये हो जाएगा 33x4 की पावर, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर प्लस का, यही तो यहाँ हो रहा है भाई, यही तो सब कुछ हो रहा है, ये देखें 5 5
और उसके बाद 1.2 की पावर 1.2 की पावर बिल्कुल इसी तरह ट्रीट करें। तो 3 और 8 को क्या रूल थे यहाँ पे, सेम वेरिएबल सेम पावर, ये रहा सेम वेरिएबल 5 और 5, ये रहा सेम पावर 1.2 1.2। क्या करेंगे अब कोफिशेंट को, ये रहे कोफिशेंट 3 और 8 जमा कर दीजिए 11 हो गया, और 5 और 5 को कॉमन लिया, पावर्स प्लस नहीं होंगी इस केस में 1.2। इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन उठा के देख लें आप, सब में जो है बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस का साइन नहीं था। मिटा दूं इसको, जो बच्चे ये बात समझ गए होंगे, पहले तो हैरान हो रहे होंगे कि ये सर ने क्या बता दिया, ये तो हमने सुना ही नहीं कभी, ये रूट वाकई वेरिएबल होते हैं। बिल्कुल जी, वेरिएबल वो वेरिएबल जिनकी पावर फ्रैक्शन में हो, 1.2 1.3 इसमें हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका, 11, 5√8 -2, क्या ख्याल है, खुद करके दिखाएंगे ये क्या है, सेम वेरिएबल सेम पावर, रूट भी 1.2 की पावर है ना, तो सेम पावर बीच में माइनस है, अब क्या करेंगे कोफिशेंट, ये रहे 5 और 3, 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, और रूट के ऊपर ये आ गया, इसको रिवर्स गियर मारें तो ये हो जाएगा 3√8। रूट एट आगे जा सकता है लेकिन शायद नहीं जाएगा, ये आंसर है आपका, चेक कर लीजिए। फाइन, आगे चलते हैं। सॉरी, आंसर लिख दिया भाई मैंने, तो ये री बुक, वो आंसर वहाँ है, ज़रा मैं मैच कर लेता हूँ। उसके बाद 34√23 + 38 23 34 और 38, अंदर क्या है 23 23, इजी हो गया आपका मामला, सेम वेरिएबल सेम पावर, कोफिशेंट क्या होंगे प्लस हो जाएंगे क्योंकि बीच में प्लस का साइन। ये वीडियो बहुत अहम है, ज़रा बार बार देख लीजिएगा इसको। 34 30 और 30 कितना हो गया 72 और 2 के ऊपर 3 की पावर 1.2 72√23, ये आपका आंसर है। और यकीन जानिए लॉग क्या है, लॉग के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, लॉगरिदम जो आप करेंगे ना लॉगरिदम, वैसे चैप्टर 2 अभी चल रहा है, चैप्टर 3 की रिड्यूस्ड वीडियोस मैंने डाल दी हैं, वो चेक कर लीजिए आप। चैप्टर 4 इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। कमेंट आया था अभी देखा, अब नाम पता नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बहरहाल खातून है और बच्ची है क्या जो भी है, वो कह रही हैं सर चैप्टर नंबर 4 कब आएगा, आएगा भैया आएगा, थोड़ा सा रिलैक्स इसको लेके चलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।